असेंबली क्लास आज डेट है 25 जून, और आज हमने आपके सबक नंबर 12 हिस्से नसर का, जो कि आपका लास्ट सबक मिलता है, जो बेसिकली दिया गया है पंजाब करिकुलम की तरफ से, उठ बांध कमर क्यों डरता है, जिसके मुसन्निफा हैं शगुफ्ता सगीरुल हुसनैन तरमिजी। ठीक है, ये सबक जो है वो आपको पंजाब करिकुलम की तरफ से ऐड किया गया आपके हिस्से नसर में। आप अपनी किताब का जो है वो सफ़ा नंबर 100 सफ़ा नंबर आपने निकाल लेना है 178-178, और जो बाज़ बच्चों के पास कुछ ओल्ड एडिशन होगा तो वहाँ पर ये जो आपका चैप्टर है वो सफ़ा नंबर होगा 112 पर। ठीक हो गया। अब जो है इस सबक में कलम बताया गया है कि कलम मुल्क का हमदर्द और बंदूक जो है वो मुल्क की दुश्मन है। कलम बंदूक को समझाता है कि वतन दुश्मनी में मुल्क को तबाह ना करो, तो बंदूक कहती है कि अपने हाल पर गौर करो, तुम एक दूसरे के दुश्मन खुद हो, फिरका वारियत में जो है उसमें इस्लामी कमाल को भुला बैठे हो। आखिर में कलम इरादा करता है कि वो बंदूक को इसके साथियों की कोशिश में कामयाब नहीं होने देगा, और अब्बास इसमें जो बच्चे का नाम है उसका जिक्र है कि उसके साथी भी उसके साथ मिलकर ये अहद करते हैं कि वो भी इस सिलसिले में कलम का साथ देंगे। तो अब जो है पढ़ाई का बाकायदा आगाज करते हैं। अब्बास जब सुबह बेदार हुआ तो नमाज पढ़कर अब्बास जब सुबह बेदार हुआ तो सुबह नमाज पढ़कर जल्दी स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगा। स्कूल पहुंचकर उसने अपने दोस्तों को बताया कि रात उसने एक अजीब ख्वाब देखा। उसने देखा कि बंदूक और कलम में बहस और तकरार हो रही है, और आखिरकार फतह कलम को ही। सब दोस्तों ने पूछा, अच्छा वो ख्वाब क्या था? तो अब्बास ने कलम और बंदूक के मुतालिक अपना ख्वाब सुनाते हुए कहा कि कलम और बंदूक दोनों पड़ोसी थे, इनके दरमियान अक्सर किसी न किसी बात पर तकरार हो जाती, जिसकी वजह से ये थी कि कलम बंदूक को हमेशा बुरे कामों से मना करता। एक मर्तबा कलम को अहले इल्म की महफिल में शिरकत करने के लिए मुल्क से बाहर जाना पड़ा। वहाँ इसका क़याम खासा तवील हो गया। जब वो वापस लौटा तो मुल्क का अजीब हाल था, हर तरफ अफरा तफरी फैली हुई थी। क्या बच्चे, क्या बड़े बूढ़े, सब बंदूक और इसके बुरे दोस्तों बम खंजर पिस्तौल वगैरह की शैतानियों से खौफज़दा थे। इनके फैलाए हुए खौफ व हरास से सब लोग अपने अपने घरों में कैद होकर रह गए थे, जहाँ देखो और सुनो गोलियाँ चलने और बम धमाकों की खबरों से कोहराम मचा हुआ था। कलम को अपने वतन अजीज की इस हालत में बेहद दुख हुआ, और इसने बंदूक को ललकार कर कहा, ठहर है बुजदिल, तुझे क्या कुछ खुदा का खौफ नहीं जो तू इस तरह इंसानियत का कत्लेआम कर रही है? जवान बूढ़े और औरतें, हत्ता कि अब तो मासूम बच्चों के स्कूल भी तेरी शैतानियत से महफूज नहीं। अरे जालिम, देखते ही देखते तूने हमारे हरे भरे आशियाने को वीरान कर डाला। बंदूक ने कहा, वारे कलम, कैसा खौफ, ऐसी शैतानियत, कभी तुम लोगों ने अपने दर्ज अमल पर निगाह डाली है? कभी सोचा है इन मसाइल की असल वजह क्या है? कलम बोला, अरे ये शैतान क्या कहना चाहती हो, इन बेगुनाह लोगों के खून का इल्ज़ाम तुम हम पर कैसे लगा सकती हो? बंदूक ने कहा, क्या तुमने नहीं सुना, खुदा ने आज तक इस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल अपनी हालत के बदलने का। कलम ने गरज कर कहा, इस बात की वजाहत करो, अपने गुनाहों पर पर्दा ना डालो, मैं तो पहले ही तेरी और तेरे दोस्तों की शैतानियत से आजिज़ था। बंदूक ने कहा, ओहो, अच्छा कहाँ तक सुनोगे, कहाँ तक सुनाओ, तुम और तुम्हारे लोगों के इतने मसाइल हैं कि ढेर लगा हुआ है, मैंने सिर्फ इन मसाइल का फ़ायदा उठाया है और चिंगारी लगाकर हवा दी है। कलम ने नाराज़ होते हुए कहा, साफ साफ बताओ और खुल के बताओ, तुमने किन मसाइल का फ़ायदा उठाया है, और तुम कैसे कह सकती हो कि तुमने सिर्फ चिंगारी को हवा दी है? बंदूक ने तंजन कहा, वारे तेरी मासूमियत, इतने नदान ना बनो, क्या तुम नहीं जानते यहाँ हर कोई एक दूसरे को खौंखार नज़रों से घूर रहा है। मसलन गरीब जागीरदार से नाला है तो जागीरदार गरीब पर खार खाई बैठा है, कहीं रंगो नस्ल पर टूट
कहीं रंगो नसर पे तू तो मैं है तो कहीं तफरकाबाजी अरूज पर है, तफरकाबाजी अरूज पर है। हर कोई अपने मकसद के लिए मज़हब में अपने अपने रास्ते बनाए बैठा है। मज़हब की असल हकीकत तो जो तुम्हारे अल्लाह और रसूल ने बताई है वो तुम सब भूल गए हो। तुम लोग तो अपने पढ़ने पढ़ाने की तरक्शा रवायत को में नज़रअंदाज कर बैठे हो। गुर्बत का ये आलम है कि चंद रुपयों के लिए मुफाद परस लोग हर तरह की दहशतगर्दी के लिए तैयार हो जाते हैं। बस मैंने अपने दोस्तों के साथ इन्हीं इख्तलाफात का फ़ायदा उठाया है। अब तुम खुद बताओ मैंने क्या गलत किया। कलम बोला कि तुम और तुम्हारे दोस्त ये कहना चाहते हैं कि हम अपने मसाइल हल नहीं कर रहे हैं और इस मसले में कोई काम नहीं कर रहे। बंदूक ने कहा तुम्हारे काम, हाँ 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 मैं ये भी तुम्हें बता देती हूँ तुम्हारे मसाइल इतने हैं कि अगर तुम सब मिलकर भी इन कोशिश करो तो इन मसाइल को हल करते करते बरसों सरना उठा सकोगे। मगर तुम्हारा ये ख्याल है कि काम करने वाली गिनती के चंद लोग हैं। ज़्यादातर लोग तंज़ो तंकीद भरे हुए धुआंधार जुमले बोलते रहते हैं और फिर अफसोस के बाद बिस्किट चाय पीकर रफू चक्कर हो जाते हैं। यूँ वो हम जैसे लोगों को भुला कर जाते हैं। लोगों का भला कर जाते हैं। कलम बोला अब बस करो नदान, अब तुम्हारी दाल ज़्यादा देर गंडने नहीं रूँगा। तुझे और तेरे शैतान दोस्तों को अपनी पाक सरजमीन से निकाल के ही दम लूँगा। अब देखो मैं तुझे बर्बाद करने के लिए क्या क्या करता हूँ। कलम परेशानी से अपने कमरे में टहलते हुए सोच में गुम हो गया और अल्लाह ताला से दुआ मांगते हुए कहने लगा या अल्लाह मेरी मदद फरमा कि मैं कैसे इस मुसीबत से अपने वतन अजीज़ को निजात दिलाऊं। अचानक इसकी नज़र करीब पड़ी एक किताब पर की तहरीर पर पड़ी। उठ बांध कमर क्यों डरता है जबकि दूसरी जगह लिखा था हिम्मत मर्दा मदद खुदा। बस फिर क्या था, कलम ने पक्का इरादा कर लिया कि वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर अपने वतन अजीज़ के हर कोचे गाँव और शहर और कोने में जाएगा, इन मसाइल के हल के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा देगा और किसी भी तरह बंदूक और इसके शैतान दोस्तों के नापाक इरादों को कामयाब ना होने देगा। साबित कर देगा कि कलम की ताकत बंदूक और इसके दोस्तों से कहीं ज़्यादा है। ये ख्वाब सुनकर अब्बास के दोस्तों ने अहद किया कि इस जंग में वो भी कलम का साथ देंगे और अपने वतन को अमन आस्ती का गहवारा बनाएंगे। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि तुम बंदूक से हमला करते हो तो हम तुम पर कलम से हमला करेंगे और इससे क्या होगा कि अदल इंसाफ का प्रचार करो, दूसरों के हकूक़ का, यानी कि उन्होंने कुछ जो है आपको बताए हुए हैं पॉइंट्स दहशतगर्दी से अकॉर्डिंग कि अकलीतों के हकूक़ की हिफाजत करना, मजहब के नाम पर कत्लेआम क्यों, हर तरह का अमन अमान कायम करें, हुकूमत की अवलीन तरजीह दहशतगर्दी का खात्मा हो, दहशतगर्दी से मुतासर लोगों की हर मुमकिन दिलजोई करना, एक कौम बनकर उभरना, दहशतगर्दी का हौसला शिकनी, हर तरह के अच्छे मस्बत रवैयों को परवान चढ़ाना, दहशतगर्दी से आहनी हाथों से निमटना, मजहबी आज़ादी और रवादारी, दहशतगर्दी से निमटने के लिए इरादों की हर मुमकिन मदद करना, दूसरों की राय का एहतराम करना। यानी कि अगर हम इन सब पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए अपना मुवाजना करें तो इंशाल्लाह ताला जो है हमारे मुल्क से दहशतगर्दी जैसी जो एक चीज़ है वो ख़त्म हो जाएगी और इंशाल्लाह ताला हमारा मुल्क अमन व आस्ती का गहवारा बनेगा। अपने इस जो चैप्टर है इसको इक्तबास के लिए इसका खुलासा भी जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, इक्तबास भी आ सकता है, अल्फाज मायनी, मतलब कि तीनों जो सब्जेक्टिव पेपर की चीज़ें होती हैं आपकी नज़र में से उसके लिए आपने अपने इस चैप्टर को जो है वो प्रिपेयर करना है। इंशाल्लाह ताला कल जो है हम उस लेक्चर में आपकी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।